हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बोलो, पहले ब्लॉगिंग बोल चुके हैं तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसको देखो, इसको पता क्या बोल रही है, मैंने अपनी शक्ल देखनी है। रुको, फ्रंट कैमरा देखो कैसी लग रही है। गाइस आप बताओ कैसी लग रही है। मुन्ना, तो गाइस अभी आज हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से, तो हमने जो है नई किचन का काम लगाया है, तो डिलीवरी होने से पहले नई किचन बननी चाहिए ताकि नया मेहमान जो है नई किचन में उसका अच्छे से स्वागत हो। तो फिर अभी कुछ सामान लेने जा रहे हैं ये, तो मैंने कुछ अपने लिए खाने के लिए मंगवाया है, देखते हैं आता है या नहीं आता है। देखो क्या बढ़िया मौसम है। अभी हम लोग जोगिंदर नगर पहुंचने वाले हैं और आज ड्राइविंग सीट पर है राकू। यो बाबा, यो बाबा। तो भाई आज मैं देख रहा हूँ इसकी ड्राइविंग, ये रोज गाड़ी लेकर जाता है और मतलब इसको ना दे तो बोलता है कि मैं बढ़िया ड्राइविंग करता हूँ यार, मेरे को देते ही नहीं हो तुम लोग गाड़ी। तो आज देख रहे हैं सही चला रहा है वैसे तो, कि मौसम यहाँ पे बढ़िया है और इधर मतलब बीड़ वाली साइड में कोई भी ऐसा मौसम मतलब इतना खराब नहीं है, कहीं भी लैंडस्लाइड वगैरह भी ज्यादा नहीं है। बिलिंग वगैरह रोड सही था ना, बढ़िया, एक दो जगह गिरा छोटे छोटे। तो अभी हम जा रहे हैं मनाली की तरफ, आपको पता ही है जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि हम लोग जा रहे हैं, एक कुछ सामान चाहिए हमें जो कि मनाली साइड ही मिलता है, तो उसी साइड जा रहे हैं, देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी दूर जाना पड़ रहा है, घर की चीज़ है मतलब घर में यूज़ होने वाला सामान है, ऐसा नहीं कि भाई अपने लिए कुछ लेने जा रहे हैं। तो साथ साथ हम आपको बताएंगे रोड कंडीशन भी। और यहाँ पर देखिए एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है, अगर ड्राइवर सीट में ना हो ना मैं तो काफ़ी मज़ा आता है मुझे शूट करने का। तो कुक्कू को आधा ड्राइवर तो बना ही दिया है, अब बाद में उसको अच्छे से पूरा ड्राइवर बनाएंगे। भाई जी हमें रख लो परमानेंट ड्राइवर सैलरी पे। नहीं नहीं भाई, सैलरी पे नहीं हम अफोर्ड कर सकते। तो बताता हूँ आपको रोड कंडीशन, आगे जो है रोड बहुत खराब है, तीन चार दिन से खराब था, हम पहले जाना चाह रहे थे लेकिन रोड जो है खराब था नहीं जा पाए। तो आज भी मिक्स से मतलब वो है कि कहीं कोई बोल रहे हैं खराब है, कोई बोल रहे हैं छोटी गाड़ियां जा रही है, तो देखते हैं और आपको भी बताएंगे रोड कंडीशन और हिमाचल के हाल, मतलब पूरे हिमाचल के तो नहीं, अपना मंडी मनाली और ये कांगड़ा वाला एरिया कैसा कैसा क्या है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस गांव में, ऊपर बहुत ही तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। अभी ये नीचे देखो रिवर कितनी प्यारी लग रही है। हमारे साथ एक बंदा और ज्वाइन हो गया है, ये है कुक्कू का छोटा भाई, और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कंडीशन। अभी जो है हम ना कुक्कू के गांव में आए थे, क्योंकि हम वैसे तो मैंने बताया था आपको कि हम मनाली जा रहे हैं कुछ सामान लेने, तो वो सामान हमें यहीं पर मिल गया कटौला में, जहाँ पर IIT मंडी जो है वहीं पर आसपास, तो हमें मनाली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अच्छा हुआ नहीं जाना पड़ा, क्योंकि रोड की हालत आप देख ही सकते हो कितनी खतरनाक है। वैसे ये रोड नहीं जाता है, ये हम लिंक रोड पर आए हैं, ये ख़त्म हो गया, इधर आगे वापस जाएंगे दोबारा कटौला और वहाँ से जाता है मनाली वाला रास्ता, तो अभी वहीं जा रहे हैं नीचे, लेकिन मनाली नहीं जाएंगे, जो सामान है वो लेंगे। बाकी मैं आपको ये दिखा रहा था, देखिए पहले हम वहीं पर खड़े हो गए थे लेकिन काफ़ी ऊपर जो है खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ये है इधर गांव, काफ़ी सुंदर गांव है और आजकल जो है ना देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं गाँव, ये ऊपर से वाटरफॉल आ रहे हैं, नदी चल रही है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अभी आपको दिखाता हूँ रोड कंडीशन आगे कैसी थी जो हम करके आए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने, आपको भी करवाते हैं। यहाँ पर जो है ना अंदर भोलेनाथ की शिवलिंग जैसी शिवलिंग है, गुफा है अंदर, देखो लिखा भी है इधर त्रिदेव शिव गंगा, वाह। ये अभी निकला है, दो तीन साल हुए हैं इधर। जय भोलेनाथ। तो गाइस ये देखिए वो सामने तीन मूर्तियां है, ये जो है पानी के उससे बनती है और इसको बनने में मतलब हजारों साल लगते हैं। ये देखो सामने तीन मूर्तियां और ऊपर से पानी गिर रहा है, कुछ बोलते हैं इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन गाइस बहुत ही सुंदर है। जय भगवान, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ। तो देखिए मौसम हो गया है पूरा बारिश आने वाला, लेकिन फटाफट चलेंगे आगे की तरफ क्योंकि बारिश आएगी तो रास्ता बंद हो सकता है। ओ गाइज पूरा ही रोड तोड़ दिया इस JCB वाले ने, ये बेचारा जितना खोद रहा है उतने ज्यादा ऊपर से आ रहा था। आते वक्त भी हम यहाँ रुके थे कुछ देर,
तो अभी फिर से जो है ये पूरा क्लियर कर रहा है इसको। देख अब तो लगता है टाइम लगेगा, बस यही डर है अगर बारिश लग गई ना तो हम यहाँ से वापस नहीं जा। ए देखो ये देखो, ओहो भाई बारिश होगी तो फिर ऊपर से कुछ और भी आ सकता है। ओ बाबे पीछे हो जाते हैं थोड़ा यार। ये देखो कैसे पहाड़ है इधर। तो अभी पहाड़ों में आप लोग तो आना अवॉइड ही करना अगर घूमना वगैरह चाहते हैं तो चलिए। बंदे ने किया तो है, चलो भाई निकल गए। तो यार ये नीचे जो जगह दिख रही है ये है कटौला। तो यहाँ से आए थे हम ऊपर और उधर नीचे जो है ना मेला लगा हुआ है वो देखो, ये मंदिर है और मंदिर के साथ में, अरे एक वो दिख रहा था मेरे को मिक्की माउस, गायब भी हो गया पेड़ के पीछे। हाँ तो ये मंदिर जो है ना इसके पीछे स्कूल है, स्कूल के उसमें मतलब मेला लगा हुआ है। चलो देखते हैं मेले में जाएंगे या नहीं जाएंगे, देखते हैं। बाकी खाना खाना है, भूख भी लगी है और वो सामान भी लेना है। तो चलो नीचे जा करके देखते हैं क्या सीन है। हम पहुँचने वाले अब यहाँ से होगा 3-4 किलोमीटर। बोल क्या बोलना चाहता था। मैं सब बोला आज हिमाचली कपल आए हुए कटौला के मेले में। कुछ ये हिमाचली कपल इन्होंने कपल बना छोड़ दिया आज वायरल वीडियो। ये बंदे क्या मंगो, क्या ऑर्डर किया इन्होंने। तो गाइस अभी खा रहे इधर खाना, ये देखिए इधर ढाबा है बहुत ही बढ़िया मस्त। हमारे साथ अभी दो बंदे और जुड़ चुके हैं, मिस्टर जालपू, क्या नाम हो तेरा। विनय। ये देखो नॉन वेज अड्डिया, देखो इनकी सूखी हुई, मुर्गे खा के मुर्गे की तरह हो गए, टूट पड़े हैं इधर बंदे। ये देखिए सब बड़े टूट कर मैं खिलाने, तुझे भूख नहीं है ना। यार देखिए क्या मस्त मौसम हो गया है यहाँ पर, जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ही ज्यादा। अभी आपने एक शॉट देखा होगा, मतलब पानी पानी हो गया, अल्टो के थे टायर तक डूब रहे थे। हमने एक वीडियो बनाई रुक के मस्त एकदम गाड़ी भगाते हुए, मजा आ रहा है यार बारिश में। अब आगे देखते हैं आगे क्या सीन होगा, बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ तो। हाँ मतलब हो चुकी है, अब रुक चुकी है यार, आगे तो धूप भी आ गई है लग रहा है, अब रुक गई है शायद। तो अभी हम लोग पहुंच गए एक जगह, वैसे देखने में अभी तो मस्त लग रही है लेकिन गाइस ये क्या देख रहा है भाई कैमरा को तो। लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ साल पहले बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ था। ये देखिए ये पूरा ऐसे पहाड़ था, पूरा ये पूरा पहाड़ का पेट ही निकल गया और यहाँ से पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। यहाँ पर गाँव था, गाँव नहीं 3-4 घर थे, दुकानें थी, पूरा सब कुछ उड़ गया था। कोटरोपी देख लेना गूगल करके। तो यहाँ पर रुके हैं अभी, यहाँ तो कंडीशन सही है, 2-3 साल से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस ये देखो पानी के पाइप वगैरह कितने डाले हुए थे, आधे तो बाहर वेस्टेज हो गई है इनकी। बाकी यार ये बादल देखो आप, आजकल ना देखने में जितना मजा है पर उतना ही ज्यादा खतरा भी है भाई। तो गाइस हमें खीर मिल चुकी है, तो सावन महीना चला है भाई, हमें जो है खीर खिलाई है मैंने और राकू ने, सुबह भी खाई थी, अभी फिर से मिल गई है, मजा आ रहा है। तो देखिए गाइस ये प्रोडक्ट लाया हमने, ये देखिए यहाँ सीधा कुछ पाया हुआ, ये देखिए ये है तंदूर, इसको लगाएंगे अब नए किचन में और आपको बताएंगे हमारा किचन का सेटअप पहाड़ों में जो होता है बिल्कुल देसी। और यहाँ पर देखिए केले रखे हुए हैं, ये देसी केले हैं। चलो अब ब्लॉग तो अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इतने सारे लोग आए हैं घर में। आरू तो अभी हम शूट कर रहे हैं 2-3 दिन के बाद, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं ये बताएंगे आपको हॉस्पिटल आने के बाद, अभी नहीं हॉस्पिटल आने के बाद। हाँ इसलिए गाइस इसका चेकअप कराने जा रहे हैं क्योंकि अब इसके तो 4 मतलब 1 हफ्ता ही बचा है डिलीवरी का, और थोड़ा सा चेकअप करवा लेते हैं कि क्या रिपोर्ट है, देखते हैं आज। और पालमपुर जा रहे हैं आज पहली बार चेकअप करवाने जा रहे हैं इसका पालमपुर। बाकी आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्योंकि इधर लगे हुए हैं मेले बैजनाथ में, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। अभी जस्ट बैजनाथ से निकले, अरे कड़ाई है इधर पकरोला पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे हम पालमपुर। तो ऐसा करते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, पहले अपना चेकअप वगैरह करते हैं,
फिर बताते अपना आपको। नहीं मेरा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से वापस और ठीक है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बोला है डॉक्टर ने कि ठीक है सब कुछ। और अभी आप लोग पीछे देख सकते हो गाड़ी पूरी पैक है, सामान लादा हुआ है क्योंकि घर में कुछ काम चला हुआ, जो आपको मैंने बताया था, जो हम एक सामान लेके आए थे, जो तंदूर चूल्हा, तो वो एक किचन बना रहे हैं, उसमें तंदूर वगैरह सेट कर रहे हैं ताकि सर्दियों में हमें हीटर ना चलाने पड़े और गर्म रहे रसोई वगैरह। तो एक बढ़िया सा एक तंदूर वाली रसोई रेडी करेंगे। बाकी अभी ये खा के आएगी तो फिर चलेंगे। मेरे को है नहीं इच्छा, क्या मतलब मेरा पेट भरी है, हो गया। देखो गाइस, प्रेगनेंसी में मना किया है कोट पटांग खाने के लिए, लेकिन क्या देख रही है, कितने टाइम बाद खाए गोलगप्पे पता है। हाँ हुए होंगे, साल हो गई थी, 5-7 दिन हुए होंगे। कितना झूठ बोलते हो आप, और क्या। इधर हमारा किचन हो गया है तैयार, ब्रांड न्यू किचन। देखिए भाई कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी हमने सेटिंग नहीं की है। हाँ अभी सब कुछ होना है, सब कुछ। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है आग जलेगी और इस पे हम बनाएंगे हलवा। यस, हलवा बनेगा। और गाइज अब बहुत दिनों से हम वीडियो बना रहे हैं, यही कि हम जो है कुछ मतलब आपको दिखाया था, सामान ले रहे थे, फिर चेकअप वगैरह के लिए गए थे, तो सब कुछ सही है। अब किचन भी स्टार्ट कर दिया है नया, अभी इसको उधर जो है डोर्स वगैरह लगने, पूरा बंद होगा, मस्त बनेगा। और ये खाने की तैयारी, जलाओ आग, दो मेरे को। और ये देखो सामान हमारे इधर ही पड़े हैं, अभी काम करने वाले बर्तन का है, नया सिंक। गाइस इधर हमारा नया कुक ये बना रहा है भरुआ करेले, और इधर बन रही है क्या, हलवा। हाँ फर्स्ट टाइम हलवा बन रहा है। हाँ सॉरी भाई, बन रही है। तो नया चूल्हा हमारा जल चुका है और अभी सामान सारे सेट करने को है गाइस। और बाहर देखिए भाई, एकदम बढ़िया ग्रीन ग्रीन, मजा आ गया यार। न्यू किचन में मस्त फीलिंग आ रही है। और साथ में ये अरबी कटी हुई है, और बैंगन थोड़ा ना बनाने, नहीं बैंगन नहीं बनेंगे। ये हलवा इज रेडी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी छिल रही है लहसुन, कैसा लग रहा है नई रसोई में, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अरबी बन रही है पर साग बन रहा है। ये देखिए हमारा हलवा बनाने वाला भाई, इसको बड़ा शौक था तंदूर में, अब लगी है इसको गर्मी। ये हमें सर्दी में मजा आएगा इसमें, अभी तो काफी गर्मी है, सर्दी में तो। तो अब बन रही है रोटी, और मम्मी और कुकू दोनों ही लग गए आज तो भाई। और हमारा धूप भी जला हुआ, देखिए हलवा भी बना था, हमने टेस्ट कर लिया, चढ़ा भी दिया। चूल्हे की रोटी खाएंगे आज भाई। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब हम बनाएंगे खाएंगे। अब आगे आने वाले टाइम में आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना के दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बोल दो, टाटा बाय बाय, ऊपर वाले भाइयों बाय बाय। ये बहुत खतरनाक कुकिंग चली है, देखो नीचे एक चूल्हा था, एक ये इधर हमारा भाई आया, ये इधर लगा हुआ है, ये अरबी बना रहा है और ये भरवा करेले बना रहे हैं। नए किचन में आज मतलब मस्त बन रहा है, पहली बार आया है, पहली बार किचन शुरू, ये किचन इसी ने बनाया है। चलिए फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।